मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। शाका, मुझे फखर है तुझ पे। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं, बस मार सकता हूं, सिर्फ मार सकता हूं। शाबाश मेरे शेर, बंदूके, बम, हथियार लूट लाया रे, तू तो पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहां बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। सक्सेना, मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ, गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। शाबाश शाका मेरे शेर, दिल जले। अब मैं मिलिट्री वालों से सौदा करूंगा अपने चार साथियों का। तू उन लोगों पर अपनी पकड़ ढीली मत करना, कोई भी शोर मचाए तो गोली मार देना। बच्चे, तू खामोश क्यों हो गया? जिंदगी बड़ी अजीब है दारा, ऐसे खेल खेलती है, आपको खामोश कर देती है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब समझने के लिए दिल चाहिए दारा, जो तेरे पास नहीं है। अच्छा ही है, वरना मैं भी दिल जलों में शामिल हो जाता। हेलो। नमस्कार ठाकुर साहब, सतबीर को याद किया आपने, सुना है आप हमें ढूंढ रहे हैं। याद तो हम माधुरी दीक्षित को भी करते हैं, लेकिन वो मिट्टी का है। पंडित जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी है। यही हम सोच रहे थे, हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अब तो बधाई दे सकता हूँ ना, मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे? देख, प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहां के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पिथुरा चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूं। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। जब मैं जेल में था तो हर हफ्ते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूँ। कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबूजी थे, लेकिन आज पता चला कि वो आप थे। जो पिछले 4 साल से तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपने हाथों से तुम्हारे किए की तुम्हें सजा दे सकूं। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और आदमी उड़ाता हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूं।
आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब, मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती, मैं तो एक मामूली सा तुच्छ